हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तरुण कुमार। आज हम बात करेंगे आपके फायदे की। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है टैक्स एग्जम्पशन का। सेक्शन 80IAC के अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स को 3 साल तक कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बशर्ते आपकी स्टार्टअप DPIIT से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अगर आपकी स्टार्टअप DPIIT से रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको फॉर्म 1 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करना है IMB के पास। IMB यानी कि इंटरनेशनल बोर्ड। जैसे ही आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको 3 ईयर्स के लिए टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। सेकेंड बेनिफिट आपको रिलैक्सेशन मिलता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर। सेक्शन 79 के अंदर एक कंडीशन है कि अगर आपको अपने लॉसेस को सेट ऑफ करना है तो जिस ईयर में आपके लॉसेस इनकर हुए हैं और जिस ईयर में आप उनको सेट ऑफ कर रहे हैं, आपकी 51% ऑफ शेयर होल्डिंग सेम लोग के पास होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टअप्स के केस में इन्होंने 51% की कंडीशन को रिलैक्स किया है। और अगर आपकी 100% ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स भी कंटिन्यू करते हैं तो आप अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एग्जम्पशन मिलता है। अगर कोई इंडिविजुअल और HUF अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल करते हैं और उससे होने वाले गेन को एक एलिजिबल स्टार्टअप्स के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर कोई भी टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सेक्शन 54GB के अंदर टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। फोर्थ बेनिफिट इन्होंने ESOPs के अंदर टैक्सेबिलिटी की कंडीशंस को रिलैक्स किया है फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स। ESOPs एक बहुत ही कॉमन मीडियम है स्टार्टअप्स के अंदर, जिसके द्वारा वो अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करते हैं। ESOPs की टैक्सेबिलिटी होती है एज अ परक्विजिट जब एम्प्लॉई अपने राइट को एक्सरसाइज करता है, हालांकि उसके उस टाइम पे उसके पास एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता क्योंकि वो अपने शेयर्स को सेल नहीं करता, उसको जस्ट एक शेयर्स की अलॉटमेंट होती है। तो अभी इन्होंने इसके टैक्स पेमेंट को डेफर कर दिया है। अब आपको टैक्स पे करना है 48 मंथ्स के अंदर, या फिर जब आपका एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता है, या फिर जब वो अपने शेयर्स को सेल करता है। इन तीनों में से जो भी इवेंट अर्लीस्ट होगा उस टाइम पे आपको टैक्स पे करना है। फिफ्थ बेनिफिट है आपका एंजल टैक्स के लिए। एंजल टैक्स लगता है जब एक स्टार्टअप अपने शेयर्स को फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा प्राइस के ऊपर अलॉट करती है रेजिडेंट शेयर होल्डर्स को, तो आप पे एंजल टैक्स के प्रोविजंस लग जाते हैं। अब आपको फॉर्म 2 के अंदर एक डिक्लेरेशन फाइल करना है जिसके बेसिस पे आपको एंजल टैक्स से भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। आई होप आप इन सभी इनकम टैक्स लॉ के अंदर बेनिफिट्स का लाभ उठाएंगे और इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करेंगे। थैंक यू।